हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्लांट्स। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्लांट्स, जिसमें आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट, हर्ब्स। हर्ब इज अ शॉर्ट साइज प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन एंड डेलिकेट वीक स्टेम। हर्ब क्या है बच्चों? शॉर्ट साइज प्लांट है जो सॉफ्ट यानी मुलायम, ग्रीन हरा, डेलिकेट नाजुक स्टेम है, जिसके पास नाजुक और सॉफ्ट स्टेम है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन वन और टू सीजन्स। ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं वन और टू सीजन में। जनरली दे हैव फ्यू ब्रांचेस और लेस ब्रांच। जनरली इनके पास बहुत कम टहनी होती है। एग्जाम्पल, टमाटो, वीट, पैडी, ग्रास एक्सेट्रा। शर्ब्स आर मीडियम साइज वुडी प्लांट्स, टॉलर देन हर्ब्स एंड शॉर्टर देन अ ट्री। बच्चों, ये मीडियम साइज वुडी प्लांट्स है। वुडी यानी कठोर प्लांट है। ये टॉलर देन होता है हर्ब से, ये बड़ा होता है, लेकिन ट्री से ये छोटा होता है। फ्लेक्सिबल। देयर फीचर्स इंक्लूड बुची हार्ड स्टेम्स, फ्लेक्सिबल बट नॉट डेलिकेट, विथ मैनी ब्रांचेस। बच्चों, इनके फीचर्स में है हार्ड स्टेम जो फ्लैक्सिबल होता है, पर हर्ब्स के तना जैसा डेलिकेट मतलब कमजोर नहीं होता, एंड इनके पास बहुत टहनियाँ होती हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लांट्स आर फॉर मेनी ईयर्स। ये प्लांट बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल, रोज, जैस्मीन, लेमन, तुलसी एंड हीना एक्सेट्रा। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। ट्री बिग यानी बड़ा और लंबा प्लांट होता है। दे हैव वेरी थिक बॉडी एंड हार्ड स्टेम्स कॉल्ड द ट्रंक। इनके पास बहुत कठोर और मजबूत स्टेम्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रंक बोलते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ द ट्री आर वेरी लार्ज, दैट इज फॉर सेवरल ईयर्स। इनकी जो लाइफ होती है बहुत सालों साल तक रहती है। एग्जाम्पल्स, बनियान, मैंगो, नीम, कैशियोटी, ओक एक्सेट्रा। क्लाइंबर्स हैव अ वेरी थिन लॉन्ग एंड बिग स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, सो दे नीड एक्सटर्नल सपोर्ट टू ग्रो वर्टिकली and carry their weight. These types of plants are special structure called tendrils to climb. Example, tea plant, sweet gourd, money plant, jasmine, green peas, etc. बच्चों, क्लाइंबर के जो स्टेम है यानी तना जो है बहुत वीक होते हैं। इनको खड़ा होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बाहरी सपोर्ट की। आप अक्सर यहाँ देखोगे कोई भी क्लाइंबर ट्री अगर आपके आसपास घर पे लगा हुआ है तो मम्मी या पापा वहाँ पे बैम्बू का यूज़ कर देते हैं उसको खड़ा करने के लिए, या तो रस्सी का। इसी तरह से उसको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो इनमें पाया जाता है उनको टेंड्रिल्स बोलते हैं, जो क्लाइंब करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल हैं बच्चे पी प्लांट, स्वीट गॉड एक्सेट्रा। क्रीपर्स, दे आर द प्लांट्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड। Their stems are so thin and delicate, that's why they cannot stand straight. बच्चों, इनके जो स्टेम्स होते हैं ये क्लाइंबर से भी कमजोर होते हैं, इसलिए ये जमीन पे ही क्रीप करते हैं यानी रेंगते हैं, इसलिए ये खड़े नहीं हो पाते। Example, watermelon, pumpkin and sweet potatoes, etc. That's all for today. Stay home, stay safe. Student, please check the second link. God bless you.